मुझे भी कोई तावीज दे ना जिससे वकार सिर्फ मेरे हो जाए। तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं ऐसा तावीज बनाऊंगी तुम्हारे लिए कि तुम्हारा शौहर तुम्हारा दीवाना हो जाएगा और तुम्हारे नाम के सिवा किसी का नाम नहीं लेगा। क्या वाकई? हाँ। अब तो अम्मी ने भी हुक्म दे दिया है कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूं, तो जाहिर अब तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा। अम्मी ने हुक्म दे दिया मतलब? अगर वो नहीं कहती तो आपका दिल नहीं चाहता मेरा ख्याल रखने का? देखो, तुम मेरी बीवी हो, इस हवाले से तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। सिर्फ फर्ज है आपका? तो आप ये फर्ज सिर्फ जिम्मेदारी समझ के निभा रहे हैं या प्यार में निभा रहे हैं? क्या मतलब इस बात का? यही कि आप मुझसे प्यार नहीं करते क्या? मैं प्यार करता हूँ तुमसे। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो, तुम्हारे लगने के लिए मैं कोई फिल्मों के मस्तूर डायलॉग्स तो नहीं बोल सकता ना जिससे तुम इंप्रेस हो जाओ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे यही फिल्मी डायलॉग पसंद है तो मैं कहूँगा कि तुम अपनी पसंद को बदलो, क्योंकि मैं तो बदलने वाला हूँ। मैं तो ऐसा ही हूँ, जानता हूँ बहुत बुरा हूँ, लेकिन तुम थोड़ी सी मैच्योर हो जाओ प्लीज। हद होती है, इसका शौहर देवर जेठ सभी इसके बारे में सोचते हैं। अबू अबू अस्सलाम वालेकुम। अम्मी अबू कहाँ है? वो तो नमाज पढ़ने गया। मुंह मीठा करें। किस खुशी में? सेमेस्टर में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। अरे वाह, माशाल्लाह, मेरी होनहार बच्ची है। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही तरक्कियों से नवाजता रहे। हाँ मानो, माशाल्लाह तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैं इस वक्त ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये रखो। ये क्या वकार भाई? अरे तुम अपनी पसंद से गिफ्ट ले लेना, रखो शाबाश, चलो। थैंक यू वकार भाई। अब आप लोग किस खुशी में मिठाई लाए हैं? तुम खाला बनने वाली हो। सच में? बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो वकार भाई। थैंक यू मानूर। अब आप लोग बैठे ना, मैं चाय लेके आती हूँ। जल्दी आना। रिंग अब्राड ने दिए? दी भी उसी ने है और पहनाई भी उसी ने है। अब्रार और नेहा आए थे ना, वैसे अब्बू बहुत ओपन माइंडेड नहीं हो गए? वरना मैं तो समझ रही थी शायद उन्हें अब्रार के घर आने पर भी एतराज हो, लेकिन यहां तो रिंग पहनाई जा रही है। नाइस। तुमने भी तो वकार भाई को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है ना, तो उन्होंने भी अच्छा सा गिफ्ट तो दिया होगा। मानो, तुम जाओ जल्दी से चाय तैयार करो, सब वेट कर रहे हैं। खुद तो तुम सब छुपा लेती हो। तुम जाओ ना, देर हो रही है, जाओ। अच्छा। आज मैंने कहा नहीं तो पूरा दिन एक पिक्चर भी नहीं भेजी। जानती हो ना, तुम्हें देखे बगैर मेरा दिल नहीं लगता। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। वो और लोग होंगे जो मोहब्बत को गम समझते, मेरे लिए तो प्यार ही सब कुछ है। अच्छा मुझे ये बताओ कि कल का प्रोग्राम डन है ना? मैंने तुम्हें शॉपिंग पर लेके जाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम दावत में मेरी पसंद का जोड़ा पहनो। तो बस फिर डन समझो। अच्छा सुनो, शॉपिंग के बाद ना चाट खाने जाएंगे, मेरी और आफरीन की पसंदीदा जगह से। आपके लिए तो जहर भी खा लेंगे।
चार्ट क्या चीज है? डिजाइन फॉरवर्ड कर दिए तुमने? जी मैं तो मैंने तभी कर दिए थे। ओके। अच्छा भाईजान, मैं सोच रहा था कि नीनू के साथ कोई ट्रिप प्लान कर लूं। हाँ तो कर लो, आप और भाभी भी चले ना साथ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर यहाँ बिजनेस कौन देखेगा? सही कह रहे हैं आप, फिर हम अपना प्लान पोस्टपोन कर देते हैं, आप और भाभी चले जाए, बल्कि इसी बहाने आपका हनीमून भी हो जाएगा। सारी प्लानिंग मैं करूंगा, आप बस ये बताएं कि आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे या यहीं पर कहीं। बात दरअसल ये इकरार, मुझे आफरीन की तबीयत भी देखनी पड़ेगी, उसको आराम की सख्त ज़रूरत है। तुम जाओ ना नीनू को लेके, अच्छा उसके लिए थोड़ा सा चेंज मिलेगा उसे और उसका मूड भी कुछ बेहतर होगा। मैं जानता हूँ क्या परेशानी चलती है तुम्हारे उसके बीच में, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, जल्दी प्लान करना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हो गई आपकी मॉर्निंग फाइनली? हाँ वो बस रात को वकार से बातें करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। सारी फ्यूचर प्लानिंग क्या कल रात को ही कर ली? तुम्हें पता है उनका टॉपिक तुम थी। अच्छा खैर, अब ब्रेकफास्ट करेंगी या फिर खाना ही खाएंगी? नहीं अब डायरेक्ट खाना ही खाऊंगी, अपने लिए जूस बना लेती। नहीं नहीं, नहीं। आप बैठिए, मैं हूं ना, मैं बना देती। अच्छा एक बात पूछूं? नहीं हाँ पूछिए। तुमने अभी तक फैमिली प्लानिंग क्यों नहीं की? प्लानिंग करने से कहाँ कुछ होता है, जब अल्लाह की मर्जी होगी नवाज देंगे। अल्लाह की तो मर्जी होती है पर इंसान की भी तो तदबीर होती है। तुमने अपने टेस्ट करवाए? जी सब करवाए और सब सही है। कोर्सेज भी पूरे किए लेकिन कोई फायदा नहीं। फायदा भी हो जाएगा, तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम अपना और इकरार दोनों के टेस्ट करवाओ। इकरार क्यों टेस्ट करवाएंगे? अरे तुमने तो इतनी बार अपने टेस्ट करवाए और वो सब क्लियर है ना, अब मुझे लगता है कि इकरार को अपने टेस्ट करवाने चाहिए और मुझे लगता है उसको कोई एतराज नहीं होगा उसको। आफरीन, मैं आपके पास ही तो जा रही थी। मेरा तुम तैयार नहीं हुई अब तक, शॉपिंग के लिए किस पास जाना है? मैं बस यूं गई और यूं आई। अरे मैंने खाना लगवा दिया, खाना खा के जाइए आप लोग। ठीक है। अरे क्या हुआ बेटा, संभल के। अच्छा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं ना, तो आज की शॉपिंग का प्रोग्राम कैंसिल कर दे। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। मैं नाश्ते में क्या लिया था? मैंने जूस लिया था, नेहा ने दिया था वो ही पिया था मैंने। जूस तो काफी नहीं है ना बेटा, नेहा तुम्हें ख्याल रखना चाहिए ना इसका। मैंने असल में इसको कहा था कि मुझे जूस दे दे, बेचारी को मैं क्या सहमत देती, हर वक्त मसरूफ ही रहती है। अगर इसने कुछ नहीं मांगा तो तुमने कुछ नहीं दिया इसको?
तो गलत बात है ना, तुम्हें इसकी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। जी खाला मैम। और सिलसिले में कोई कोताही मैं बर्दाश्त ना करूंगी। फिलहाल खाना लगा दिया आपको, खाना खा लो। अच्छा खाना खा लो। आंटी यहाँ पे एक दुकान है, वहाँ की चाट बहुत मजे की है। आपको पता है मानो और मैं जब भी शॉपिंग करने जाते थे ना, वहीं से चाट खाते थे। आपको ट्राई करवाऊं? जरूर। ड्राइवर ये वाली दुकान पे रोकिएगा। हाँ जी बस ये। अरे अब्रार, माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं ना साहब। ड्राइवर घर चलो। आंटी क्या चाट नहीं खानी? नहीं। तुमने तो इतनी बार अपने टेस्ट करवाए और वो सब क्लियर है ना, अब मुझे लगता है कि इकरार को अपने टेस्ट करवाने चाहिए। और मुझे लगता है उसको कोई एतराज नहीं होगा। उसको खाने में क्या बना है नीनो? आपको क्या हुआ है मोहतरमा? कहाँ गुम हो? कहीं नहीं बस ऐसे। क्या हो रहा है जनाब? कुछ नहीं, बस हमारी नीनू कहीं खोई हुई है। अच्छा भाई कुछ तो गड़बड़ है, जरा पता तो करें। हाँ गड़बड़ तो कुछ मुझे भी लग रही है। चलें जनाब मसला बताइए अपना। कोई मसला नहीं है। तो फिर इतना क्यूट फेस क्यों बनाया हुआ है? अच्छा ना चलो बताओ क्यों मुंह लटकाया हुआ तुमने? मैं कोई कार्टून हूं कि हर वक्त हंसती हंसाती रहूं? मैं भी सीरियस हो सकती हूं और चुप बैठी हूं इसका मतलब ये नहीं कोई इश्यू है। भाई इन्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ इन्हें, तुम परेशान मत हो। हाँ तुम्हें क्या हुआ? इस तरह खूनखार बिल्ली बनी क्यों बैठी हो? नीनू स्ट्रेस से कुछ होगा। इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा चलो उठो कहीं बाहर चलते हैं। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ अब्रार कि जिसको तुम कहोगे बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाते तो मैं खुश हो जाऊंगी। छोटी बच्ची ना सही पर मेरी दोस्त तो हो ना, और ये मुझे गवारा नहीं कि मेरी दोस्त इस तरह परेशान बैठी रहे। अब्रार मैं तुमसे कह रही हूँ ना मैं ठीक हूँ। हाँ जैसे तुम्हारे कहने से तो मैं मान लूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं है और टेंशन फ्री हो जाऊंगा। अब्रार साहब आपको बेगम साहब बुला रहे। ठीक है मैं आता हूँ। चलो ठीक बाद में बात करता हूँ तुमसे। आपने मुझे बुलाया? इस प्यार मोहब्बत के खुराफात के आगे माँ की तरबियत को बिल्कुल भुला दिया तुमने शायद। कुछ समझा नहीं अम्मी। क्या समझे नहीं? देखो मानो से अभी तुम्हारा सिर्फ निकाह हुआ है, रुख्सती नहीं हुई।
रुखसती से पहले इस तरह से मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर सारे बाजार तुम बैठकर चमचे भर भर के उसके मुंह में डाल रहे थे। बेशर्मी की हद होती है कोई? सब लोग देख रहे होंगे, क्या सोचते होंगे वो? तुम्हें शायद इन बातों की परवाह नहीं होगी, लेकिन मुझे बहुत है। अब मैं उस लड़की से तो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि वो मेरी बहू की बहन है, लेकिन तुम मेरे बेटे हो। अगर मुझे कुछ बुरा लगेगा तो मैं तुमसे जरूर कहूंगी। I'm sorry, अम्मी। आप सही कह रही हैं, मुझे इस चीज का ख्याल रखना चाहिए था। But I promise के आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। ख्याल रखना और एहतियात भी करना, और उस लड़की को भी समझा देना इन बारीकियों के बारे में। समझ गए? मैं इन बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। जाओ। बहुत गुस्से में थी वो मानो। पता नहीं उन्होंने अब्रार को क्या कहा होगा। पता है उनके मूड से तो लग रहा था कि वो अब्रार से बहुत नाराज हैं। अच्छा, तुम्हें अब्रार ने कुछ बताया? नहीं, अब्रार ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। हो सकता है इसलिए ना बताया कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूं। ओके। फिर कौन सा हो गया क्या? जितनी कोशिश कर लो आंटी का दिल जीतने की, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है। आंटी ने मुझे और अबरार को रेस्टोरेंट में देख लिया, इसीलिए मना कर रही थी जाने से। सिर्फ तुम्हारा ससुराल नहीं, तुम्हारी बहन का भी ससुराल है। खुदा ना खासा कोई भूत से सो गई तो हर तो मेरी तरबियत पे आएगा ना। जी अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। मारिया की बच्ची, मैं कैब करा लूंगी। अगर तुम गई ना, मैं दोस्ती तोड़ लूंगी तुमसे। मुझे फरहाद भाई के साथ जाना अच्छा नहीं लगता। भाई तुम अक्का हो यार। देखो, जो मेरे भाई हैं, वो भी तो तुम्हारे भाई हैं ना, तो जो तुम्हारा भाई है वो भी मेरा भाई है। भाई नहीं लगते, आई समझ? अब चलो, सब देख रहे हैं। भाई नेहा, अरे आइए बैठिए। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? आज लंच पे भी चुप चुप थी। कुछ नहीं, बस सर में दर्द है। अरे पहले बताती ना, लाओ मैं तुम्हारा सर दबा दूं। और बल्कि ये बताओ कि ऑयल किधर रखा है, मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ। तुम्हें पता है अम्मी कहती है कि मेरी उंगलियों में जादू है। नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, कोई मसला नहीं। कैसे रहने दूं, बताओ ना जल्दी से, किधर है तेल? तुम पता है डाउन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं कह रही हूँ ठीक है, सब कुछ छोड़ दीजिए। बताओ ना। वॉशरूम में मैं आती हूँ। नेहा, तुम्हारी इकरार से बात हुई?
नहीं। क्यों? हिम्मत नहीं हुई, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, इतनी अच्छी दोस्ती है तुम्हारी, फिर क्या सोचना। अच्छा एक काम करो नेहा, उसका अच्छा मूड देखकर फौरन बात कर लो। आए ना आंटी, नेहा के सर में दर्द हो रहा था इसलिए मैंने सोचा इसका सर दबा दूं। नेहा कह रही थी कि नहीं बस भाभी ठीक हो गया। इनको क्या हुआ है, इनका मूड क्यों ऑफ है? शायद खाला मी को अच्छा नहीं लगा आपका मेरा सर दबाना। इसमें कौन सी बुरी बात है, अब कल को मेरी तबीयत खराब होगी या मेरे सर में दर्द होगा तो तुम ही मेरी केयर करोगी ना। और दबा दूं? आप कहाँ घूमे? कहीं नहीं। तुम क्या मंगवा रही हो? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? इस नाम की कोई डिश नहीं है इस मेन्यू में। तो मैं उसको बताऊंगा। ओह फोन आ रहा है। हेलो ओह माय गॉड मारिया, मेरे भाई। करार कहाँ जा रहे? भाईजान मुझे ऐसा लगा कि मीशा है। मीशा यहाँ कैसे हो सकती है? अंदर आओ अहमद साहब, वेट कर, आ जाओ। मारिया तुम और तुम्हारा भाई तो मेरी पढ़ाई छुड़वा के ही रहेंगे, मेरी तो अब खैर नहीं है, मुझे घर जाना है प्लीज। हाँ आ जाओ, मैं बाहर गाड़ी में हूँ। ओके भाभी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत देर हो गई आते आते। भाभी आपको पता तो है ना प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, थोड़ा कॉलेज में लेट हो ही जाता है। हाँ अच्छा चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं नहीं भाभी मुझे भूख नहीं है। मारिया के साथ आई हो ना तुम लोग, लंच पे गए थे साथ? नहीं नहीं भाभी क्या हो गया इसमें डरने की क्या बात है, भाभी थोड़ी दोस्त हूँ तुम्हारी। वैसे वो लड़का बहुत अच्छा दिखता है, काफी हैंडसम है। जी एक बात है, तुम दोनों साथ बहुत अच्छे लगोगे। We'll be right back.
सच बताऊं तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही आंटी का सामना करने की, और आंटी का मूड खराब होने की वजह से हो सकता है अब्बू मुझे अपने साथ ना लाए। मैं बात करता हूँ अंकल से। नहीं नहीं तुम प्लीज मत आना, अजीब सा लगेगा कि मैं तुम्हें अपना हमायती बना के अब्बू के सामने खड़ा कर दूँ। इतना मत सोच, और क्यों अजीब लगेगा उन्हें, तुम मेरी बीवी हो यार, और जहाँ तुमने आना है वो तुम्हारा ससुराल। फिर ससुराल रुखसती के बाद होता है अपराध। अच्छा अब तुम तो नाराज मत हो। नाराज नहीं हूं मैं, बस बहुत एक्साइटेड था कि तुम घर आने वाली हो। खैर एक इंटरव्यू पे जाना है, चलो तो मैं डॉक्टर हूं। आजो आज तो मैं काफी देर हो गई उठने में। हाँ वो बस अलमारी ठीक करी थी तो थकावट हो गई, सोने का इरादा नहीं था, लेटी बस नींद आ गई। खाना में क्या पकाऊं? कुछ बनाने की जरूरत नहीं, जाओ जाके आराम करो। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। अल्लाह ठीक ही रखे तुम्हें, लेकिन तुम खाने की बिल्कुल फिक्र नहीं करो, अब काफी देर हो गई है। हम ऐसा करते हैं, हम लोग खाने के लिए सब बाहर चलते हैं। हाँ मैं जरा नमाज पढ़ लूँ। खाला में नाराज क्यों है? पहले तो इतनी छोटी बातों पे ऐसे रिएक्ट नहीं करती थी। तुम खुद दादी से पूछ रही हो, ऐसी कोई बात वैसे है नहीं। खाला अम्मी को ना टाइम पे हर काम की आदत हो गई है, आज मुझसे थोड़ा लेट हो गया ना इसलिए नाराज हो गई है। तौबा है नेहा, इतना कौन सोचता है, तुम इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर इतना परेशान क्यों हो जाती हो? आप ठीक कह रही हैं, मैं किचन में काम देख लेती हूँ। नीनू फोन क्यों नहीं उठा रही थी, कितने कॉल्स और मैसेजेस किए? तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुम रो रही हो? मेरी जान क्या हुआ है? रोना बंद करो और बताओ। इकराम खाला में बदल गई है, वो आप इन भाभी से ज्यादा मोहब्बत करती है, क्योंकि आप इन भाभी प्रेग्नेंट है ना, मैं 2 सालों में भी उन्हें खुशी नहीं दे सकी। ऐसा कुछ नहीं है नीनू, ये सब तुम्हारा वहम है, तुमने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। ऐसा ही सोच रही हूँ। तुम सिर्फ इस वक्त जज्बाती हो रही हो। हाँ हो रही हूँ मैं जज्बाती, मैं भी चाहती हूँ खाला अम्मी को ये खुशी दूँ। आप ऐसा करें, आप चेकअप करवाने चलो। ठीक है, मैं कल ही की अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, तुम और अम्मी चले जाना। मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप करवा लेना टेस्ट। तुम्हें अंदाजा है कि तुम ये क्या कह रही हो? इसमें हर चीज क्या है, हम दोनों साथ चलते हैं चेकअप करवा लेते हैं, और जरूरत पड़ी तो मेडिकेशन भी। मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें करवाना हो चेकअप तो अम्मी के साथ चली जाना। बस कह दिया ना नहीं मतलब नहीं, दोबारा इस टॉपिक में हमारे बीच कोई डिस्कशन नहीं होगी। नीचे सब वेट कर रहे हैं, तैयार होके आ जाओ। मुझे नहीं आना। ठीक है Thank you.
भाई नीनू कहाँ है? उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं रुकता हूँ उसके पास, आप लोग जाएं। नहीं नहीं कैसी बातें कर रहे हो, उसकी तबीयत खराब है, उसे अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकते। बिल्कुल, तुम एक काम करो, उसको बुलाओ, उसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। भाईजान मैंने दवाई दी है उसे, अगर तबीयत ना ठीक हुई तो मैं ले जाऊंगा। आप लोग प्लीज अपना प्रोग्राम खराब ना करें, जाएं प्लीज। नहीं यार, प्रोग्राम खराब करने की बात नहीं है, हमारा जाना कोई इतना जरूरी थोड़ी है, फिर किसी और दिन चले जाएंगे। क्यों आप? हाँ हाँ कोई ऐसी बात नहीं है, जब नेहा की तबीयत ठीक हो जाएगी फिर हम चले जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही है आप, जीते हो बेटा, खुश हो। तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं ना कि खाना यही मंगवा लेते हैं। हाँ? खाने का ऑर्डर दे दो। जी ठीक है अम्मी, मैं मंगवा लूंगा। तुम तो ना बनाओ, फिर कभी चल लेंगे। सॉरी यार। अच्छा तुम मुंह बनाना तो बंद करो, बताओ क्या कहोगे। कहाँ जा रही हो? क्लास में। मैं आयशा नहीं आई, पीरियड फ्री है। लगता है फिर से नाराज हो गई मैडम। कुछ ज्यादा ही नाराज क्यों हो रही तुम आजकल? तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। कौन सी हरकतें? तुम्हें पता है आफरीन भाभी ने मुझे तुम्हारी गाड़ी से उस दिन निकलते हुए देख लिया था। वो तो इतनी अच्छी है, उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन मेरी तौबा है, आइंदा के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी कहीं नहीं जाऊंगी। निशा, तुम्हें फराद भाई जरा नहीं अच्छे लगते? इतने से भी अच्छे नहीं लगते। अब बख्श तो मेरी जान, प्लीज। निशा, आप ही बताइए कि कैसे मनाऊं? तुम बात करो इकरार से, उसे राजी करो तुम। यही तो मसला है, कैसे? अपने रवैये से तुम उसे एहसास दिलाओ कि अपनी बात मनवाए बगैर तुम पीछे नहीं हटने वाली हो। नेहा बेटा कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? ठीक है खाली। देखो तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। भूख नहीं है। हालांकि बात नहीं मानोगी? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मुझे लगा अब आपको मेरी परवाह नहीं रही। लो भला, माँ को अपनी बेटी की परवाह नहीं होगी, हो सकता है भला? मेरा बच्चा, मुझे तो कल रात को ही पता चल गया था कि मेरी डांट टपट की वजह से मेरी बच्ची का मूड ऑफ है ना? और मुझे पता था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल रहा होगा, है कि नहीं? अरे मेरी जान, तुम तो उस घर की चहचहाती चिड़िया हो, तुम जब चुप जाती हो ना पूरा घर खामोश हो जाता। मेरा बच्चा, चलो अब जाओ अपने कमरे में, खाना खाओ जाके सीधी तरह से। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ठीक है कॉन्ट्रैक्ट करवा लो उनसे। अच्छा कोशिश करो कि मंडे तक फाइनल कर लो यार। अच्छा सुनो मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके क्या सोच रही हो? मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया, नसीन आपको सर्व कर देगी। नसीन नाश्ता ले आओ। जी भाईजान। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। नीनू से झगड़ा हुआ तुम्हारा? पता था मुझे ये मुंह तभी लटकता है जब तुम्हारा उससे झगड़ा होता है।
बातचीत करना बंद कर देते हो, किसी चीज का होश नहीं रहता। जाओ। कहाँ? घर जाओ। अभी इस टाइम? इसी वक्त। अभी जाना चाहिए तुम। जो भी तुम लोग के मामला होते हैं उसे खत्म करेंगे जितनी जल्दी हो सके। ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जाओ शाबाश।